नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में आगामी छात्र संघ चुनाव के दृष्टिगत स्नातक तृतीय व पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक विस्तारित कर दी गई है। यह जानकारी महाविद्यालय में नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमचंद पांडे ने दी है। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में जिला सैनिक कल्याण परिषद की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हो गई। बैठक में सैनिक कल्याण संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिले की सड़कों व विद्यालयों को शहीदों के नाम से रखे जाने, विद्यालयों में शहीदों के चित्र लगाए जाने, जिले में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की संख्या को देखते हुए जनपद के अन्य नगरों में कैंटीन स्थापना सहित अन्य समस्याएं जिलाधिकारी के सम्मुख रखी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को दिए। बैठक में मुख्य कोषाधिकारी वीरेंद्र रावत, LDM अमर सिंह ग्वाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हवलदार प्रसाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश चंद जोशी, पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष मेजर ललित सिंह, उपाध्यक्ष मयूख भट्ट सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में संगीत और नृत्य के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान चला रहे सुरताल कला केंद्र के पंडित हेमंत गुरु महाराज, आचार्य अंकित पांडे, शिष्य लोकेश सिंह व विनय जोशी को हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्रालय व सुधी फाउंडेशन की प्रियंका जोशी द्वारा गोविंद बल्लभ पंत गौरव सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान सुरताल कला केंद्र द्वारा नशा मुक्ति को लेकर संगीत और नृत्य के माध्यम से चलाए जा रहे अभियान की काफ़ी सराहना की गई। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज कुंडार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की ओर से निशुल्क कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को गणवेश वितरित किए गए। कार्यक्रम में मोहन चंद ठाकुर, दिनेश भट्ट, डॉक्टर भुवन चंद धारियाल, प्रकाश रावल, पुष्पा कुमारी, बिमला लोहिया, मीना कवलिया आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के बेरीनाग के लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अर्चिता ग्वासाकोटी ने सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। अर्चिता की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र सिंह बोरा, प्रधानाचार्य गोविंद उपाध्याय व शिक्षकों सहित कई लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए अर्चिता के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट के छात्र सतीश जोशी और पवन जोशी द्वारा क्षेत्र के रिक्तल गांव में जाकर शोध कार्य किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनचंद पाठक ने बताया कि प्रवक्ता गिरीश चंद पुनेठा और उमेश चंद पुनेठा के मार्गदर्शन में दोनों बाल वैज्ञानिकों द्वारा गाँव में जाकर फल उत्पादन, मौन उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य जानकारियाँ एकत्र की गई। पिथौरागढ़ के देवलसा क्षेत्र के ऋण वसूल से पुखरौड़ा में आफर से दुपाधर न्याल तक सड़क निर्माण को लेकर आज मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने स्वालय के निकट सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि पूर्व में सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। आज प्रातः क्षेत्रवासियों ने शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग को लेकर स्वालय के निकट सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की स्थिति पैदा होने से कई लोग जाम में फंस गए। जाम की सूचना मिलते ही पिथौरागढ़ तहसीलदार पंकज चंदोला, तहसीलदार देवलथल और थानाध्यक्ष मदन बिष्ट, लोनीवी सहायक अभियंता सुनील कुमार स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि वे बीते लंबे समय से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, पर उनकी मांग पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया, जिस कारण मजबूर होकर उन्हें आंदोलन की राह पर चलना पड़ रहा है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी मान गए और जाम खुल गया। जाम खुलने के बाद फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों क्षेत्रवासी शामिल थे। चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन क्रैकडाउन लगातार जारी है, जिसके तहत लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान आरोपी मोहन सिंह निवासी रायकोट कुंवर के कब्जे से 50 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार, महेश कुमार व अशोक वर्मा शामिल थे। अल्मोड़ा जनपद में SSP प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाने को लेकर चलाया जा रहा पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है, जिसके तहत सुमेश्वर क्षेत्र में पुलिस टीम ने 33 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस सुमेश्वर थानाध्यक्ष विजय सिंह नेगी व टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान रनमन ककरार बैंड के निकट एक पिकअप वाहन को रोककर चेक करने पर चालक प्रकाश राम निवासी रेतीधार सुमेश्वर के कब्जे से 33 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष सहित हेड कांस्टेबल श्रवण सैनी व बीरेन्द्र चंद, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, अरविंद कुमार, सूरज सिंह आदि शामिल थे।
सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।